हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ BCK, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो ये चैप्टर जो हम लोगों ने एक बार पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं अमेंडमेंट, उसमें जो भी आए हैं, जो भी एडिशंस हुए हैं, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में नहीं थे तो डिस्कस नहीं किया था, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो भी डिलीशंस हुआ है वो हम लोग बाद में कटछट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़े बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है एज सच। तो लास्ट लेक्चर का एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यू पॉइंट्स की तरफ। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था कि हिस्ट्री मतलब कैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है इंडिया में, है ना, जो एकदम एंशंट टाइम से हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जैसे इंडिया में नालंदा, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ थे जहाँ पे बहुत सारा पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी होता था, डिस्कशंस होता था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या बोलते हैं उसके, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने अपनी बुक चाणक्य नीति, या फिर जिसको और क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने दो चीज़ें बोली थी पब्लिक पॉलिसी के बारे में। एक तो स्टेट क्राफ्ट होता है पब्लिक पॉलिसी, स्टेट क्राफ्ट मतलब लोक शासन एंड पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रीक कुछ क्या बोलते उसको ये थे ग्रीक एक फिलोसोफर्स थे, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, ऐसे कुछ, तो उन लोगों ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में डिस्कशंस किए थे और डिटेल्ड। फिर उसके बाद में अशोका जो है उनके पॉलिसीज किस पे बेस्ड थे, हारमोनी एंड पीस। फिर उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी उनके स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करो। फिर गुप्त एम्पायर था उनका पॉलिसी से टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर पे डिपेंडेंट, है ना। फिर उसके बाद में अकबर के जो क्या बोलते हैं उसको राज्यसभा में कुछ लोग थे जिसमें से टोडारमल के लीडरशिप में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। लैंड रिफॉर्म्स है ना, ज़मीन रिलेटेड जो भी पॉलिसीज थे गवर्नमेंट के वो। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि ओलिगार्की मतलब बहुत क्या बोलते हैं कम लोग रूल कर रहे हैं सोसाइटी को, मोनार्की मतलब एक अकेला राजा जो है वो रूल कर रहा है सोसाइटी को, अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग है ज़रा क्या, जो सबसे बड़ी क्लास है, हाइएस्ट क्लास इन सोसाइटी रूल्स, ट्रायनी या फिर डेमोक्रेसी मतलब क्या बोलते हैं उसको जो इंडिया में है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऐसा। और टायरनी का मीनिंग क्या था, जो बहुत ऐसे जैसे हमने क्या एग्जांपल देखा था उसमें साउथ नॉर्थ कोरिया में क्रूयल राजा होता है जहाँ का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ क्या बोलते उसको गवर्नेंस थे, उसमें अलग अलग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज भी निकल के आए हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दादा भाई नौरोजी ने उनकी बुक हिज पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में बोला था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के पैसे लेके जाके ब्रिटेन में क्या बोलते हैं उसको डेवलपमेंट करते थे, बट इंडिया के लोगों से वो सिर्फ पैसे वसूल करना यही काम करते थे। ज़मींदारी सिस्टम थी, लगान देना पड़ता था लोगों को, मतलब उनका हैरेसमेंट होता था जो इंडियन पब्लिक है, और इंडिया में कुछ भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही थी, यहाँ का पैसा सीधा फ्लो हो रहा था ब्रिटेन में, यही चीज़ थी, है ना। फिर उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हम लोगों ने 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद में 1950 में हमने पास किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 1948 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाने की शुरुआत की, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 1951 में, ठीक है। अभी कौन फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो जब कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन 1951 में प्लानिंग कमीशन प्लान्स बनाता था, और अब कौन बनाता है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग रिप्लेस कर चुका है प्लानिंग कमीशन को, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिजोल्यूशन आया था, यही सब चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने एक डिफ्रेंसिएशन देखा था, भले ही आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड पॉलिसीज बनाना स्टार्ट किया था एंड इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, बट स्टिल 1950 से 1990 का पीरियड ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ फ्रीडम नहीं था लोगों को बिजनेस करने का। आफ्टर 1990 के रिफॉर्म्स, LPG जो थे वो रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्रीडम मिला है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो रोल इन द सेंस कंट्रोल कम हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल आ चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन देखा था कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी फॉलो होती थी, मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड आफ्टर 1990 इज़ आल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये रॉन्ग है मैंने बोला है,
पीछे क्वेश्चन में आंसर भी है जिसका आंसर इकोनॉमी मिक्स्ड ही है, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड ही है। इकोनॉमिक गवर्नमेंट्स कैसा था, पहले इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट रेट्स डिसाइड करती थी, अभी मार्केट मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स डिसाइड करते हैं। ओपननेस ओरिएंटेशन मतलब पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाहर से कोई भी आ नहीं सकता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अलाउेबल नहीं था। अभी ओपन इकोनॉमी है जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जहाँ पे ऑल वर्ल्ड इज अ सिंगल, होल वर्ल्ड इज अ सिंगल मार्केट हो चुका है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, पहले गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था पब्लिक सेक्टर का, है ना, मतलब अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू वो लोग कमांड कर रहे थे। अभी स्टेट ओनरशिप बहुत एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है, बाकी हर जगह प्राइवेटाइजेशन ही है। बिजनेस में रेगुलेशन गवर्नमेंट के कम हो चुके हैं, अभी लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस बढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये मैंने बोला था 1970 या 1990 के डिफरेंसेस, अपने फादर एंड ग्रैंडफादर्स को पूछना, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइप देखे थे, है ना। बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी के पांच टाइप है, वो पांच टाइप्स को दो प्रकार में डिवाइड किया है, जैसा माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड सेक्टर मैनेजमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब वो होल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करते हैं, उसका एग्जाम्पल है फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड एग्जाम्पल है मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने फिस्कल पॉलिसी का एग्जाम्पल बोला था बजट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के इनकम्स, टैक्सेस एंड ऑल, सब कुछ क्या है फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंक रेट्स, रेपो रेट, जिसके थ्रू भी गवर्नमेंट अपना इंडिया का मनी रेगुलेट कर रही है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इंडिया का गवर्नमेंट इन द सेंस अथॉरिटी अभी आरबीआई के पास है, बट स्टिल गवर्नमेंट के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है, इन शॉर्ट। सेक्टर मैनेजमेंट, सेक्टर मैनेजमेंट मतलब स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एग्रीकल्चर में हमने एग्जांपल्स देखे थे कि जैसे नाबार्ड एंड ऑल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन लाए गए हैं, IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आए हैं, ये सब चीज़ें। फॉरेन ट्रेड में हमने देखा था कि फेरा था पहले, फेरा 1973 समथिंग है उसका, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस किया फेमा ने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कौन से ईयर में, 1999 में, याद आ रहा है क्या, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने रिप्लेस किया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को इन द ईयर 1999। तो ये जो है ये हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के टाइप्स क्या है, पांच, फिस्कल, मॉनेटरी, इन दोनों को क्या बोलते हैं एक साथ, माइक्रो इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड पॉलिसीज को बोलते हैं सेक्टर मैनेजमेंट। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि माइक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स जो बिजनेस को क्या बोलते हैं उसको, इंडिया के बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, मतलब कौन से लेवल पे वो इंडिकेटर होना चाहिए तो इंडिया के लिए अच्छा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था GDP, GDP क्या होना चाहिए, हायर द बेटर, जितना इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा है। पहले तो मुझे बोलो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज GDP। तो जितना ज़्यादा हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो GDP हायर द बेटर। फिर इन्फ्लेशन हमने देखा था कि इन्फ्लेशन इज ठीक, मतलब इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा तो अच्छा है, पर कब, जब वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब अगर डिमांड बढ़ चुकी है किसी प्रोडक्ट की, उसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स जो है उसमें डिमांड बढ़ चुकी है, तो सप्लाई क्या बोलते हो उतना ही रहेगा, डिमांड बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। बट रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए बोल के क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट बढ़ गया आउटपुट का, तो उसके वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, डिमांड पुल इज़ गुड, मॉडरेटली हाई गुड है। टैक्स, टैक्स कम रहेगा तो अच्छा रहेगा, बर्डन कम रहेगा लोगों पे। फिर इंटरेस्ट भी लोअर द बेटर, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे फ्लो हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट पे भी क्या बोलते हैं उसको, लोग ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे, ताकि इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब ज़्यादा पैसे रहेंगे उनके पास लोन के, इंटरेस्ट रेट कम है तो वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा। एक्सचेंज मॉडरेट, एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो मॉडरेट होना अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत कम हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट तो हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम है, और बहुत हाई हो गया तो इम्पोर्टर्स को प्रॉब्लम है, तो इसलिए एक्सचेंज जो है वो मॉडरेट होना इज़ गुड। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिसीज़ क्या क्या टाइप्स के हैं गवर्नमेंट के, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्ट कर रही है हमारे इंडियन बिजनेसेस को, प्राइवेट लोकल बिजनेसेस को फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड आउटसाइड बिजनेसेस, या फिर आउटसाइड कंपनीज, है ना,
प्रोटेक्टिव बिजनेस हो गया, फिर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी सोसाइटी के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं उन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। जैसे हमने देखा था कंपटीशन सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो ऐसा कोई कंपनी कंपटीशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब कंपटीशन खत्म करना चाह रहा है, मोनोपोली बनाना चाह रहा है, तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया है जो इनके लिए लुक आफ्टर करेगा, है ना। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज मतलब जो लोगों के हित में नहीं है वैसे चीज़ों को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। रेगुलेटिव पॉलिसीज मतलब रेगुलेट करना, जैसे सेबी हो गया, IRDA हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, RBI हो गया, फिर उसके बाद में और बहुत एग्जांपल्स थे, DGFT फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है, तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनके जो भी पॉलिसीज़ है वो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ होंगे, ठीक है। RBI ने अगर उसका बैंक रेट या फिर रेपो रेट चेंज किया है तो इट इज़ रेगुलेटरी पॉलिसी एंड इट इज़ मॉनिटरी पॉलिसी ऑल्सो। यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी देखे थे ना, बैंक रेट चेंज करना इज मॉनिटरी पॉलिसी, एंड वो क्योंकि RBI ने सेटअप किया है तो वो रेगुलेटरी पॉलिसी भी हुई। फिर उसके बाद में फैसिलिटेटिव पॉलिसीज मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ सोसाइटी को अगर गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं उसको हेल्प करना है, क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट करना है, तो वो जो भी पॉलिसीज बनाएगी फैसिलिटेट करने के लिए उसको बोलेंगे डेवलपमेंटल या फिर फैसिलिटेटिव पॉलिसीज। इसका एग्जांपल देखे थे हमने कौशल विकास योजना, फिर उसके बाद में MSME, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोगों ने इतना देखे थे लास्ट लेक्चर में, अभी हम लोग देखेंगे पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस जो हमको पहले से आती है, हम लोग बस रीड करेंगे। देखो हम लोगों ने पहले बहुत सारे ऐसे इतने ही टाइप्स थे बट इसका नाम कुछ अलग अलग था। अभी पॉलिसीज कैसे बनती है, सबसे पहले तो सपोज़ कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को बैंक के रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स कम करने थे, ठीक है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट मतलब कोविड के वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हमको कोविड के वजह से कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसी कंटेंट मतलब क्या पॉलिसी बनाएंगे कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो तो लोन सस्ते कर दो, मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, जो भी लोन लेने की प्रोसीजर है उसको रिड्यूस कर दो, लोन टेकिंग प्रोसेस को कम कर दो, मतलब जल्दी से जल्दी लोन मिल पाए। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, ये बोलेगी RBI को कि हमारे को सॉरी हमको कोविड के वजह से लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा चाहिए, तो आप इंटरेस्ट रेट, लोन बढ़ाना, ऐसा कुछ भी करके हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना है इन दी सोसाइटी कंट्री में। तो RBI क्या करेगी, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, बैंक रेट्स को कम कर देना, रेपो रेट को कम कर देना, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना, ऐसे कोई भी वे से RBI क्या करेगी, बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है, देखो बैंक रेट अगर कम हो गया दैट मीन्स बैंक गवर्नमेंट से RBI से जो भी पैसे बोरो कर रही है वो, ठीक है। तो बैंक रेट अगर कम हो गया तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि उसको सस्ते में पैसे मिल रहे हैं RBI से। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से पॉलिसीज बनाएंगी और फिर बैंक्स को भी इन्वॉल्व करेंगी इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर बैंक्स को ये चीज़ें सही नहीं लग रही तो बैंक अपना फीडबैक भेज सकती है। बेसिकली 5 जो है स्टेप्स है जिनके थ्रू पॉलिसी मेकिंग बनता है। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसी बन रही है, फिर पॉलिसी कंटेंट, बेसिक कंटेंट क्या है पॉलिसी का, फिर इंस्टीट्यूशन RBI क्या करने वाली है वो चीज़, फिर RBI के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है और वो मार्केट में जाने के बाद में मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको कैसे क्या बोलते हैं उसको रिएक्ट कर रहे हैं उस पॉलिसी पे। इसका अगर दूसरा एग्जांपल बोलूँ तो हमको वन नेशन वन टैक्स चाहिए था, पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट वन नेशन वन टैक्स, पॉलिसी कंटेंट गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको GST जैसा, जैसे बाहर कुछ लॉ है वैसा इंडिया में भी चाहिए, तो इंस्टीट्यूशन GST के लिए अलग कमिटी बनाए रहेंगे वो लोग, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी जो हैंडल करेगी GST के सारे रूल्स रेगुलेशंस को। इंस्ट्रूमेंट्स वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगी, वेबसाइट बनाएंगी, फिर दूसरे सारे लॉस पढ़ के अदर कंट्रीज़ के GST का लॉ ड्राफ्ट करेंगे और फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स फिर लोगों के हाथ में GST एक्ट देंगे, उनको यूज़ करने को बोलेंगे, जैसे जैसे उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वैसे वैसे क्लैरिफिकेशंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 5 प्रोसीजर है पॉलिसी मेकिंग में, हम लोग पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन सी द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ड्रॉन नॉट इन द क्लोज्ड चैम्बर्स बट इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। क्लोज्ड चैम्बर्स मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे रही है एंड पब्लिक को दे रही है, बस नो फीडबैक, वो अच्छा है क्या नहीं,
तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है वो डेवलपमेंटल पॉलिसीज होते हैं, मतलब लोगों को वो पॉलिसीज हेल्पफुल हो, अगर उनको नहीं हेल्पफुल हो रहे तो वो फीडबैक देंगे, फिर वापस चेंज हो जाएगी पॉलिसी। तो क्लोज्ड चैम्बर नहीं है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर्मुलेशन लाइज इन द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जैसे अगर मनी रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल करेगा, टेक्सटाइल रिलेटेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड है तो वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनाएगा। द मिनिस्ट्री इन टर्न फंक्शंस थ्रू कमिटीज, कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब वो जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो अलग अलग कमिटीज़ बनाएंगे, जैसे जीएसटी के लिए अलग कमिटी, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग कमिटी, फिर वो कमिटीज़ में भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हेल्प पार्टिसिपेट लेंगे, जैसे सीए का इंस्टीट्यूशन हो गया, सीएस का इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सारे लोग मिलके, इनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव मिलके वो डिस्कशन करेंगे। एट द ग्राउंड लेवल द रिकोर्स इज टेकन टू वाइडर कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। देखो कंसल्टेशंस मिलेंगे एंड पार्टिसिपेटेटिव। अगर सीए सीएस इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए फॉर ड्राफ्टिंग जीएसटी, ऑब्वियसली उनको बुलाना पड़ता है सीएस एंड सीएस को, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा बेटर पता है कि बिजनेसेस कैसे रन होते हैं। तो इनसे कंसल्टेशन करेंगे, इनसे इनका पार्टिसिपेशन होगा वो पॉलिसी मेकिंग में। फिर उसके बाद में द ड्राफ्ट पॉलिसीज आर पुट इन पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स, क्रिटिक एंड सजेशंस। फिर जो भी सजेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। पॉलिसीज दस फ्रेम्ड आर देन इम्प्लीमेंटेड एंड देयर इम्पैक्ट इज फेल्ट। देयर कैन बी सेवरल वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इज द इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट्स मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी। इट हैज सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक रेट टू इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, द वॉल्यूम एंड कॉस्ट मनी एंड क्रेडिट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू द इंटरेस्ट रेट्स, है ना। इंटरेस्ट कम हो गया तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो होता रहेगा। द ब्रॉडली द पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस गेट ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कंसर्न मार्केट्स। ठीक है, फेंका पाकि है, मतलब हम लोगों ने अभी एक और चीज़ पढ़ ली कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस जो है वही है जो पहले पढ़े थे, बस उसके नाम चेंज हो चुके हैं। पहले पॉलिसी कंटेक्स्ट आ चुका है, पॉलिसी कंटेंट आ चुका है, इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पहले नाम कुछ और थे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ड्राफ्ट एंड ऑल ऐसा कुछ। पॉलिसी सॉरी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब पॉलिसी कंटेक्स्ट, क्यों पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी कंटेंट मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बेसिक पॉलिसी क्या है। फिर पॉलिसी एडेप्शन, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एडेप्शन होगा। इंस्ट्रूमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक मतलब पॉलिसी इवेल्युएशन, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अभी जो एलपीजी है हम लोग एक बार वो डिस्कस करेंगे, बस इतना ही बचा है। ठीक है, एलपीजी के पहले आपको एफडीआई पता है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो सब ठीक है। मैं आपको पहले हम लोग फ्लो में ही जाते हैं, ठीक है, डोंट वरी। एलपीजी पता है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में क्या हुआ था, जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लिख के रखो ये चीज, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे बोलो, पहले हमारा डिस्कशन हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर वॉज पी वी नरसिम्हा राव। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पी वी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिल के इंडिया का सारा बिजनेस करने का तरीका बदल डाला। मतलब 1991 में इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीन ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिनके वजह से इंडिया जो कुछ भी है रिफॉर्म्स की वजह से। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या बोला था हमने, लिबरलाइजेशन मतलब जो भी कंट्रोल्स है, रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, जैसे बिजनेस करने के लिए अगर आपको, जैसे बिजनेस करने के लिए आपको अगर सपोज कुछ
क्या बोलते उसको लाइसेंस चाहिए, तो उसकी प्रोसीजर बहुत लंबी थी, 10-15 दिन वो लाइसेंस लेने में चल जाते थे। तो अब सब कुछ क्या हो गया, विद इन अ डे 2 डेज आप लाइसेंस ले सकते हो। तो ऐसे मतलब जो भी बिजनेस करने में डिफ़िकल्टीज है उनको हटाओ, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको रिमूव करो, या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के उनको लूजन मतलब कम करो, एकदम जो स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस है ना उनको कम कर दो, या फिर जहाँ पे पॉसिबल है हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन जो है वो इंडिया में लेके कैसे आए, सबसे पहले तो जो भी क्या बोलते हैं उसको 18 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज मतलब गवर्नमेंट के कंपनीज कर सकते, पब्लिक सेक्टर कर सकता था, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में 18 इंडस्ट्रीज रिजर्व थे। तो लिबरलाइजेशन के तहत सिर्फ 3 ऐसे इंडस्ट्रीज बचे हैं अब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है प्योरली, बाकी सारे में प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बाकी सारे में अपना क्या बोलते उसको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, ये तो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, तो ये लिबरलाइजेशन ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट जो कंट्रोल रखे थे इंडस्ट्रीज पे मतलब सेक्टर्स पे, वो कंट्रोल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, रिस्ट्रिक्शन फॉर प्राइवेट सेक्टर हटा दिया। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में भी लिबरलाइजेशन छुपा हुआ है। तो पहले जो 18 इंडस्ट्रीज थे उसमें से अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज जो भी है, एटॉमिक एनर्जी, जिस एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा और कोई भी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। पहले 18 ऐसे इंडस्ट्रीज थे, उसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हेवी, फिर मिनरल ऑयल्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सब में गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब वो रिमूव करके सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल है, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोलते उसको कुछ ऐसे एक्ट्स थे क्या बोलते उसको जैसे MRTP एक्ट था, वो सब कैंसिल करके, जैसे पहले ना सारे इंडस्ट्रीज को MRTP एक्ट, सारे कंपनीज को MRTP एक्ट के अंडर एक क्या बोलते उसको लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट टाइप लेना पड़ता था कि वो लोग मोनोपोली को हार्म नहीं कर रहे। अब ये चीज़ हटा दिए है गवर्नमेंट ने। अब जो आफ्टर लिबरलाइजेशन किसी भी कंपनी को मैंडेटरी नहीं है टू टेक द सर्टिफिकेट फॉर मोनोपोली, नहीं ले रहे वो लोग, मतलब मोनोपोली क्रिएट नहीं कर रहे इस चीज का। अभी अगर कुछ वो एंटी कॉम्पिटिटिव करते हैं तो उन पर क्या बोलते उसको प्रोसीडिंग्स होते हैं, बट उनको ये सर्टिफिकेट बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मोनोपोली को हार्म नहीं कर रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में और एक क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, मतलब हर चीज़ के लिए लाइसेंस, सपोज आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलना है तो उसके लिए लाइसेंस, ये सारी चीज़ें हटा दी है। अभी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है जैसे अल्कोहल, सिगारेट्स, ये लोग गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए ना इसका कंट्रोल, नहीं तो लोग अंधाधुन बेचेंगे, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स है जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, फिर उसके बाद में मिनरल, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते उसको सेंसिटिव ये इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है, बाकी कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हुआ लिबरलाइजेशन, मतलब ट्रेड बैरियर को हटाया है, राइट। फिर उसके बाद में पहले ना 800 आइटम्स रिजर्व थे फॉर स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज पता है ना, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब वो आइटम्स को रिड्यूस करके बहुत कम कर दिया गया है, अब उसमें से 800 में से बहुत सारे आइटम्स जो है वो ओपन फॉर ऑल कर दिए गए। पहले क्या था, बिफोर लिबरलाइजेशन, बिफोर 1991 बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1950 से 1991 के पीरियड में क्या था कि जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, छोटे छोटे क्या बोलते उसको स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, माइक्रो बिजनेसेस है, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या फिर स्पेसिफिक सेक्टर्स रिजर्व कर दिए। तो बाद में आफ्टर लिबरलाइजेशन ये जो सेक्टर्स है 800 के अराउंड, वो सारे के सारे कुछ उसमें रिजर्व्ड होंगे, बहुत सारे उसमें से जो है वो सभी को अलाउ कर दिया है, जहाँ पे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी अपना परफॉर्म कर सकती है। देखो, लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव और लूजन द रिस्ट्रिक्शंस, दिस हैपन्स वाया डिसमेंटलिंग द ऑफ लाइसेंसिंग एंड परमिट्स, मतलब लाइसेंस परमिट्स हटा दो, डीरेगुलेशन, ईजिंग ऑफ अप्रूवल, सिस्टमैटिक लूजनिंग एंड ऑफ लेजिलेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, मतलब लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हटा दो गवर्नमेंट का। वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट पॉलिसी रिजिम प्रायर टू 1990 वॉज कैरेक्टराइज बाय होस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे तब। वाइल इट इज़ डिबेटेबल वेदर दिस रेस्ट्रिक्शंस आर रिलेवेंट एट द टाइम दे वर इम्पोज एट द फर्स्ट प्लेस,
मतलब जब इम्पोज किया था तब वो रेस्ट्रिक्शंस लायक थे क्या उस चीज़ के? दिस रेस्ट्रिक्शंस सर्टनली सीम टू हैव आउटलिव देयर यूटिलिटी. दिस रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड द रिजर्वेशन ऑफ साइजेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर, है ना, जैसे 18 इंडस्ट्रीज थे. द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंसेज फॉर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन ऑगमेंटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव, मतलब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रखे थे आइटम्स, जैसे 18 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के पास थे, ये सब हटा दिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें शायद और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. इसके वजह से देखो अभी कैसे कैसे इंडस्ट्री में लिबरलाइजेशन लाया गया इंडिया में. द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व सोल्ली फॉर पब्लिक सेक्टर विच यूज टू कवर 18 इंडस्ट्रीज, 18 नंबर याद रखो, इंक्लूडिंग आयरन स्टील हैवी प्लांट मशीनरी टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम इक्विपमेंट मिनरल ऑयल माइनिंग एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अभी अडानी पावर हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के. एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बिन ड्रेस्टिकली रिड्यूज टू 3, 18 से सीधा 3 पे लेके आ गए. डिफेंस इंडस्ट्री एटोमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलमोस्ट बिन एबोलिश्ड, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अभी हटा दिए हैं. सिर्फ अल्कोहल सिगरेट्स इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एरोस्पेस ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स ऐसे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए ही अवेलेबल रखा है लाइसेंसिंग, अप्लीकेबल रखा है. द रिक्वायरमेंट दैट इन्वेस्टमेंट्स बाय लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज नीडेड अ सेपरेट क्लियरेंस अंडर द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. देखो जो भी नवे नवे इन्वेस्टमेंट्स बाय लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज थे, मतलब न्यू न्यू इंडस्ट्रीज खोल रहे थे, तब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत एक सेपरेट क्लियरेंस या सर्टिफिकेट चाहिए था, अब वो हटा दिए हैं. इंडियन इंडस्ट्रियल सिनारियो हैज़ ऑल्सो बिन कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग प्रोडक्शन ऑफ सर्टन आइटम्स टू स्मॉल स्केल सेक्टर्स. अबाउट 800 आइटम्स वर कवर्ड बाय दिस पॉलिसी सिंस द लेट 1970s, विच मीन दैट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन एनी इंडिविजुअल यूनिट प्रोड्यूसिंग दिस आइटम्स कुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब सीलिंग, है ना, मतलब अभी वो हटा दिए हैं 800 के, बहुत कम हो चुके हैं. लिबरलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ होस्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस अवेलेबल हो गए आफ्टर लिबरलाइजेशन, जो स्पेसिफिकली स्टेट या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल थे. मोर ओवर डूइंग अवे विद द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मेंट ईज ऑफ एंट्री, बिजनेस करने के लिए ईजी हो गया, न्यू प्लेयर्स को जो है वो इंडस्ट्री में आने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अब, क्योंकि बैरियर्स नहीं है कुछ. In fact, in most cases, liberalization meant greater freedom not only for domestic private sector but also for foreign direct investment and trade. उनको भी तो ईजी हो गया ना लिबरलाइजेशन की वजह से, यहाँ पर ट्रेड करना, सब्सिडरी खोल के अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. एज अ रिजल्ट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव अंडरगोन अ वर्चुअल मेटामॉर्फोसिस, नोटेबली अमंग दिस हैव बिन बैंकिंग इंश्योरेंस, ये सारे सारे जो है इसमें बहुत सारे नोटेबली प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हो चुका है. अब प्राइवेटाइजेशन, मुझे बोला प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हमने डिस्कस की थी, सबसे पहले ब्रिटेन के कोल माइंस में से शुरुआत हुई थी, जिनके प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर. तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था ब्रिटिश कोल माइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रिटिश कोल माइंस से प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया है. फिर धीरे धीरे हमारे मतलब सारे वर्ल्ड में प्राइवेटाइजेशन, वो क्या बोलते उसको, प्राइवेटाइजेशन सबको पता चला है. तो इंडिया में तो 1991 से शुरुआत हुई है प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है. प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस है वो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करिए प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है. इसके हमने टाइप्स देखे थे, चार टाइप्स थे, ठीक है, एक बार ये रीड कर लेंगे, चार टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से. प्राइवेटाइजेशन जो है बेसिकली क्यों करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं जितना प्राइवेट एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ठीक है. फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा बेटर है प्राइवेट सेक्टर्स रादर देन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है किसको देना है कि बिजनेस कौन संभालेगा, ऐसा टाइप्स. फिर उसके बाद में जब प्राइवेटाइजेशन शुरू किए थे, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करके बिजनेस को चलाता है, प्रॉफिट मेकिंग बना सकता है. तो जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट ने, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था, गवर्नमेंट के जो सिक यूनिट्स है, आपको बताया सिक यूनिट्स मैंने बोला था, सिक यूनिट्स मतलब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उनको कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा था, बट जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स है
जैसे महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज एक्सेट्रा, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स है, उनको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे थे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो गया कि प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स तो चले जा रहे बट सिक यूनिट्स कोई ले ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिक यूनिट्स का फुल प्राइवेटाइजेशन, मतलब सिक यूनिट्स पूरे के पूरे खरीद लो, और प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स का पार्शियल प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स का डेलीगेशन कर दो, मतलब कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो प्राइवेट सेक्टर को, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कम शेयर दो प्राइवेट सेक्टर को, ज़्यादा शेयर रहेगा गवर्नमेंट के पास, ऐसे। तो प्राइवेटाइजेशन किया गया पार्शियली फॉर प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड फुल्ली फॉर सिक यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वही चीज़ लिखी है इधर, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। इफेक्टिव टूल है फॉर रैपिड रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो है वो इनइफिशियंट रह चुके हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्वालिटी कंसर्न्स है। फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मोर सेल्फ मोटिवेटेड एंड प्रोलिफिक एंड रिलायबल है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देता है। प्राइवेटाइजेशन चार टाइप से कर सकते हैं, डेलीगेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डेलीगेशन का मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, डेलीगेट करना, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, टास्क देना प्राइवेट सेक्टर को। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के पास है, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, बट फंक्शन जो है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द कंपनी प्राइवेट सेक्टर को आप डेलीगेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास बस उसका अथॉरिटी है, ठीक है, सॉरी अथॉरिटी बोल रही हूँ, मतलब उसका सिर्फ वो काम करने के लिए उनको रखा गया है। गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय गवर्नमेंट। डेलीगेशन में हैपन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंचाइज, ग्रांट्स, इन सबसे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास रहती है, सिर्फ फुल्ली और पार्टली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से, कंपनी पूरी गवर्नमेंट की है, सिर्फ उसका पर्टिकुलर फंक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर होता है। इस ये किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी एंड ग्रांट्स के थ्रू। डाइवेस्टमेंट, देखो डाइवेस्टमेंट है, डाइवेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, अपने रिसोर्सेज पूरी तरह से गवर्नमेंट हटा दे रही है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट सेल कर रही है प्राइवेट एंटिटीज को। डाइवेस्ट करना मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसको हटा देना, कहीं और रख देना, ठीक है। डाइवेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट को हटा के कहीं और रख देना, तो पूरा का पूरा मेजॉरिटी स्टेक, सपोज गवर्नमेंट का 100% ओन्ड कोई कंपनी है तो उसमें का 51% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट बेच देगी, मतलब गवर्नमेंट के पास 49% या फिर उससे कम स्टेक रहेगा, ठीक है। मतलब मेजर रिसोर्सेज जो है, मेजॉरिटी स्टेक जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइज को बेच देती है गवर्नमेंट, ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दैट इज डाइवेस्टमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, प्राइवेट सेक्टर कुछ अच्छे से परफॉर्म करके गवर्नमेंट की कंपनीज को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे BSNL MTNL को डिस्प्लेस कर दिया है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल सब ने। प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांस एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस प्राइवेट सेक्टर, अच्छे से परफॉर्म करके गवर्नमेंट के इंडस्ट्री को पूरी तरह से ओवरकम कर दे रहा है। डी रेगुलेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेटाइजेशन इफ इट इनेबल्स प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज अ गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक है। अगर सपोज कल जाके क्यों, अभी ST बसेस है, ठीक है, महाराष्ट्र के ST बसेस, और वही हमारा जैसे खुराना ट्रैवल्स हो गया या फिर शर्मा ट्रैवल्स हो गया, प्राइवेट लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, तो हम लोग ST से बेटर प्रेफर करते हैं शर्मा ट्रैवल्स, खुराना ट्रैवल्स को, ताकि सर्विसेज बेटर है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने डिस्प्लेस कर दिया है गवर्नमेंट के सेक्टर को, गवर्नमेंट की कंपनी को, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा पोर्शन निकाल देना, डिसइन्वेस्ट करना एकदम थोड़ा सा पोर्शन, तो सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज, ये हमेशा रहेगा 49% से कम, मतलब 30% स्टेक बेचा है तो डिसइन्वेस्टमेंट है, बट 51% स्टेक बेचा है तो वो है डाइवेस्टमेंट। कम स्टेक बेचा है तो बड़ा नाम है, इतना याद रखो, ठीक है। डिसइन्वेस्ट कर दिया, छोटा सा पोर्शन बेच दिया, डाइवेस्टमेंट मतलब एकदम इन्वेस्टमेंट हटा ही दिया, पूरी तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, डाइवेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे चार टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। अभी ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है अलग तरीके से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो, ग्लोबल मतलब बेसिकली पूरा वर्ल्ड जो है सिंगल मार्केट है, ऐसे ट्रीट करो। तो ये ग्लोबलाइजेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है, FDI के थ्रू। देखो FDI का मीनिंग क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
मतलब किसी भी कंट्री का लोग दूसरे कंट्री के बिजनेस में, किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस दूसरे कंट्री के पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस में अपने पैसे दे रहे हैं, या तो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं या फिर अपने जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर रहे कहीं ना कहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के बिजनेस में अपने कंट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, मतलब शेयर्स परचेस करना इधर एम नहीं है, इधर एम है वो बिजनेस को कंट्रोल करना। इसके इन्होंने दो टाइप्स में अभी डिवाइड किया है, IFDI एंड OFDI। IFDI क्या है, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब सपोज यहाँ इंडिया की कंपनी है कोई इंडियन कंपनी, उसमें फॉरेन की कोई कंपनी जैसे सपोज एप्पल हो गया या फिर माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स बोले सॉरी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के किसी कंपनी में मैनेजमेंट में हस्तक्षेप कर रहे हैं, फिर मैनेजमेंट में अपने लोग रख रहे हैं, यहाँ का टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, इंडियन कंपनी को बाय कर लिए हैं, ठीक है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरली होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, फ्यूचर का सोच के, जैसे फ्लिपकार्ट को बाय किया है वॉलमार्ट ने, दैट इज FDI के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो IFDI का मीनिंग क्या है कि इसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट होगा, फॉरेन कंट्री का पैसा इंडिया में आएगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी आएगी, वहाँ के मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो है वो, रेगुलेशंस जो है वो इस कंपनी पे वो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कल जाके पैसे निकाल लेंगे, इसका रिस्क है, ठीक है। वो उनका ब्रेन भी यूज़ कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, उनके कंट्रोल्स भी है, और वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, कोई भी 5-6 दिन के लिए अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो FDI जो है वो बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है हर सेक्टर में। FDI एक तो सबसे पहले FDI के दो रूट्स है, एक तो ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक मतलब कुछ भी परमिशन की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा आप FDI में मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हो इंडिया में, या तो गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट का परमिशन लेके आपको FDI लाना है इंडिया में, ये IFDI के रूट्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट मतलब सीधा सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही लेके आ सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस है उसके लिए। दो वेज है FDI लाने की इंडिया में, ठीक है। कुछ सेक्टर्स के लिए ऑटोमेटिक रूट, जैसे हो गया एजुकेशन, फार्मा, ये सारे जो है ना हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ये सोशल बेसिक हमारे नीड्स है, ठीक है, हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग खुला रख देंगे FDI, 100% FDI अलाउ करेंगे। बट कुछ कुछ जगह 49% FDI अलाउ होता है, कुछ कुछ जगह 51%, कुछ जगह 74%, कुछ जगह 26%, ऐसे अलग अलग रेट्स है FDI के, 26, 74, 49, 51, 100, ऐसे अलग अलग रेट्स जो है वो प्री डिसाइडेड है पर हर सेक्टर के लिए, और कौन सा सेक्टर ऑटोमेटिक रूट से आएगा, कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट रूट से आएगा, ये भी डिसाइडेड है, ठीक है। हमको याद रखना है 5 रेट्स है, 100%, 26%, 74%, 49%, 51%, एंड दो रूट्स है, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, जिनके थ्रू FDI आ सकता है। कुछ जगह प्रोहिबिटेड भी है, आपको याद आ रहा है क्या FDI प्रोहिबिटेड कौन से सेक्टर में है, वो A to L हमने कुछ बनाया था, ए फॉर एटॉमिक एनर्जी, बी फॉर क्या था, बी फॉर मुझे भी याद नहीं आ रहा, बेटिंग था ना, बेटिंग, यस, सी फॉर चिट फंड, सी डी 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 से क्या था, डेवलपमेंटल राइट्स, डी ई ई से क्या था, इस्टेट, रियल इस्टेट बिजनेसेस, फिर उसके बाद में एफ, एफ से फार्मिंग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, बट टी प्लांटेशन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। फिर उसके बाद में एफ जी, जी से क्या था, एक सेकेंड, सॉरी, ए से एटॉमिक एनर्जी था, बी से था बिजनेस ऑफ चिट फंड, सी से था सिगरेट्स, डी से था डेवलपमेंट राइट्स, ई से था इस्टेट, रियल इस्टेट, एफ से फार्मिंग एंड प्लांटेशन अदर देन फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इट्स सब, और अदर देन टी प्लांटेशन ऑल्सो, मतलब टी प्लांटेशन में FDI अलाउड है। एफ हो गया, जी से क्या था, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, जी एच, एच से क्या था, एच आई, हाई निधि, निधि कंपनीज, जे से झाड़, झाड़ बोले थे ना हमने, हाँ प्लांटेशन को हमने झाड़ बोल दिए थे, ठीक है, जे एच,
जे के ना, मुझे एफ बीच नहीं आ रहा है, जे के बाद में के से कुछ नहीं, के बाद में एल, एल से लॉटरी बिजनेसेस, ऐसे हमने डिवाइड किए थे हमारे प्रोहिबिटेड एफडीआई में, जहाँ पे प्रोहिबिटेड है एफडीआई, ठीक है, जिस सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है वो है ए टू एल। यहाँ पे ना गवर्नमेंट रूट से एफडीआई आ सकता है, ना ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आ सकता है, ठीक है। हम लोग एक बार रीड कर लेंगे इसको। अभी ओएफडीआई क्या है? इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करें, इंडियन कंपनी जो है, इंडियन कंपनी बाहर की किसी कंट्री के कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल मॉरिशस में इन्वेस्ट कर रही, फिर उसके बाद में और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जो अपना लिए मतलब याद नहीं रखना। पीवीआर सिनेमाज ने श्रीलंका में अपना क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉन्च किया है। ये सारे ओएफडीआई, आउटसाइड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया से बाहर पैसे जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, अलाउेबल इन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अभी आपको एफआईआई पता है क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफडीआई जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफआईआई जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी बुलिश मार्केट दिख रहा है, जहाँ पे लग रहा है रेट्स बढ़ जाएंगे शेयर्स के, वहाँ पे अपना पैसा डालते हैं। फिर जहाँ पे लग रहा है कि बेयरिश मार्केट है, मतलब अब रेट्स कम होने वाले शेयर्स के, वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये वो शॉर्ट टर्म है, जैसे जिस कंट्री का उनको लग रहा है कि अच्छा अभी शेयर मार्केट रहेगा, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बाकी जगह से पैसे निकाल लेंगे। तो दिस इज एफ आई आई, फॉरन डायरेक्ट फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक बार रीड कर लेंगे इनको। फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इन द मोस्ट केसेस कैपिटल सोर्स्ड फॉर डोमेस्टिक सोर्सेज रिमेन इनएडिक्वेट, मतलब इंडिया का पैसा इंडिया के कंपनीज के लिए इनफ नहीं है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए। फॉरन कैपिटल इज सीन एज हार्बिंजर फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इन अ सेंस इट इज लाइक फिलिंग इन द गैप्स बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक जो भी हमारे पास सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है, तो इनका गैप भरने के लिए हम लोग बाहर से पैसे खरीद लेंगे। पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पीरियड इंडिया वॉज कंसिडर्ड ल्यूक्रेटिव प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है, ल्यूक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव लग रहा था लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं इधर लोग। फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ सक्सेसफुल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ वाइड मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एट द सेम टाइम फॉरेन फंड्स फ्लो इन एन इकोनॉमी टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉरेन फंडिंग इन अ गुड सेंस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिमांड। फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड। लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेयर्ड विद रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन कम होना इज लिबरलाइजेशन। FDI may be described as flow of capital investment to an enterprise in a nation by another enterprise located in a different nation by capturing a majority stake in ownership of a company in the target country or by expanding operations of an existing business in that country. दूसरे कंट्री के लोग अपने कंट्री में आके पैसे लगा रहे हैं, मेजोरिटी स्टेक ऑफ बिजनेस खरीद रहे हैं, दैट इज एफ डी आई। या फिर वहाँ से वहाँ के जो फंक्शन है वो यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक एफ डी आई है। FDI जो है वो हर सेक्टर के लिए अलग अलग है, कहीं पे 26%, कहीं पे 49%, कहीं पे 51%, कहीं पे 100% एंड कहीं पे 75% ही अलाउड है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज ऑलवेज रिमेंड अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल डिफेंस एक्सेट्रा आर क्लासिक एग्जाम्पल। इट्स ऑफन फेल्ट दैट एरियाज लाइक मीडिया एंड डिफेंस कुड कम्प्रोमाइज ऑन इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड हेंस FDI शुड नॉट बी परमिटेड। इन सर्टन एरियाज द FDI लिमिट हैज़ बीन कैप्ड, लाइक इंश्योरेंस बिजनेस, वहाँ पे 26 था, फिर अभी 49% पे कैप कर दिए, फिर उसके बाद 75% ऐसा था, देखो हमको याद आ रहा है क्या? वेयर देर इज नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट द कंपनी मे कंसर्न्ड हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ऑटोमेटिक रूट में अगर नहीं है तो गवर्नमेंट रूट होता है, गवर्नमेंट रूट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रोहिबिटेड एरियाज सारे, वही है ए टू एल। अभी ओ एफ डी आई क्या है? देखो पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज फेवर्ड इन इंडिया नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड एफ डी आई बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड एफ डी आई। इंडियन फर्म्स इन्वेस्ट अब्रॉड, एग्जाम्पल भारतीय एयरटेल ने इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी इन मॉरिशस में, पीवीआर सिनेमाज ने अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी खोला है श्रीलंका में, फिर उसके बाद में सन फार्मा ने एंटर किया लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग्स, फिर उसके बाद में ऐसे RBI के डेटा के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% से बढ़ चुके हैं 2020 में आउटसाइड कंट्रीज में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है? देखो वी ऑफन कम अक्रॉस द टर्म FII विच रिप्रेजेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर लार्ज फॉरेन ग्रुप विथ सब्सटेंशियल इन्वेस्टेबल फंड्स, पैसे बहुत ज़्यादा है उनके पास, आर रजिस्टर्ड एब्रॉड
विथ व्यू टू इन्वेस्ट इन अदर नेशंस टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट हेज फंड्स पेंशन फंड्स किसमें भी वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम विच स्पेक्युलेट टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री विथ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन द इक्विटी मार्केट दिस फंड्स पार्क देयर दिस FIIs park their funds to fuel bullish market. Naturally, for small period, the nation experiences inflow of strong foreign currency in its financial system. देखो FII क्या करते हैं, जहाँ पे भी उनको market bullish करना है वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा देंगे तो अपने आप market बढ़ जाएगा क्योंकि demand ज़्यादा हो गई है ना, पैसे लगाए मतलब demand बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया में पैसे आ रहे हैं तो strong foreign currency for particular period of time हो जाता है. ये था हमारा chapter number 4, सारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है. आपको बहुत अच्छे से समझा होगा आई नो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एक बार एमसीक्यूज फटाफट डिस्कस कर रहे हैं. फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, मैंने बोला बजट आता है फिस्कल पॉलिसीज में, तो बोथ ए एंड इज द करेक्ट आंसर. फाइंड द ऑड वन आउट, एग्रीकल्चर पॉलिसी स्पेसिफिक है, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक है, मॉनेटरी स्पेसिफिक नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक है, तो मॉनेटरी ऑड वन आउट हुआ. After independence and up to the 3-4 decades, economic system prevalent in India may be regarded as mixed economy thi pehle. Yes, mixed economy. Which of the following policies or policies pertain to macroeconomic mein kaun si do aate hai? Fiscal and monetary. So fiscal policy and monetary. Matlab answer is D, A and C. Dekho yahan pe humko match the following hai. Liberalization matlab kya hota hai? Deregulation hota hai. Regulations kam kar rahe. प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर के जो रिसोर्सेज वो हैंड ओवर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को. मिटिगेशन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ग्लोबलाइजेशन क्या है? फॉरेन ट्रेड लेके आना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करेक्ट आंसर है. तो फर्स्ट का आंसर इज सी. ठीक है, ये या ये तीनों में से कोई ऑप्शन होगा. सेकेंड का आंसर इज ए, तो या तो नहीं, सॉरी हम लोग लिखते हैं फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी एंड डी. ये कौन सा आंसर है? डी, डी इज द करेक्ट आंसर. फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन्स टू द मीनिंग इंपॉर्टेंस इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. दिस स्टेटमेंट्स आर इधर करेक्ट और इनकरेक्ट. कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है बोलो. माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑपरेट ओनली ऑन द डिमांड साइड. बोलो ऐसा है क्या, डिमांड साइड को अफेक्ट करते हैं? नहीं, पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, तो इट इज इनकरेक्ट. द इम्पैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसीज अकर्स थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. देखो इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसीज में. ट्रू, करेक्ट है ये, करेक्ट. पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स. गलत है, ओपन एंडेड है ना, मतलब क्लोज्ड चैम्बर नहीं है. फीडबैक्स अलाउ करता है, डिस्कशन अलाउ करता है, तो दिस इज इनकरेक्ट. इम्पैक्ट ऑफ सेक्टोरल पॉलिसीज इज ऑन द इकोनॉमी एज अ होल. सेक्टोरल पॉलिसी पर्टिकुलर सेक्टर पर इम्पैक्ट करता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, तो दिस इज इनकरेक्ट. तो ICII किसका आंसर है? ICII बी आंसर इज करेक्ट. द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट एंटरप्राइज के पास सिर्फ फुल्ली और पार्टली मैनेजमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन. सी आंसर इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फैसिलिटेटिव या फिर डेवलपमेंट पॉलिसी. एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं. लिफ्टिंग ऑफ कर्ब्स ऑन बिजनेस, बिजनेस पे जो भी दबाव है वो हटाना, ये फैसिलिटेटिव पॉलिसीज करते हैं क्या? करते हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करते हैं. क्रिएशन ऑफ कंडिसिव कंडीशन, अच्छी कंडीशन मेंटेन करना फॉर बिजनेसेस, ये भी करते हैं. इम्पोजिशन ऑफ क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल्स, अप्रूवल्स लाइसेंसिंग ये सबका इम्पोजिशन, ये गलत है. मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अप्रूवल और क्लियरेंसेस कंपलसरी करो, दिस इज रॉन्ग. तो डी आंसर जो है वो एट्रीब्यूट नहीं है. सेबी, आरबीआई, आईआरडीआर क्या? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. ब्लैक रॉक इन्वेस्टेड $30 million एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब अपना अपना क्या बोलते हैं, इक्विटी बाय कर रहे हैं, नॉट अ लॉन्ग टर्म. तो इसको क्या बोलते हैं? FII इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. अगर वो बड़े बिजनेस का कंट्रोल के वजह से मेजोरिटी स्टेक ले रहे तो इट इज FDI. FDI इन सेक्टर्स एक्टिविटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल इधर ऑफ द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज, जिसमें कुछ भी अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक रूट. FDI अदर देन ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट रूट, जहाँ पे FIPB की परमिशन लेनी पड़ती है. FIPB का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. डी, आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर FDI इज नॉट परमिटेड. ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल सब में परमिटेड है, ऑटोमेटिक में नहीं, ऑटोमिक में नहीं है. हमने A टू L में A में ही देखा था, एटॉमिक एनर्जी.
सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हटा रहे तो ग्लोबलाइजेशन, सेल ऑफ 50% स्टेक इन PSU टू अ सिंगल प्राइवेट सेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेजोरिटी स्टेक बेच दिए है, इसको क्या बोलते हैं, मेजोरिटी स्टेक बेचना इज डिस इन्वेस्टमेंट. FDI इज अलाउड इन, अलाउड किस में है, प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, याद आ रहा है क्या, एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है बट हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर में अलाउड है, प्लांटेशन में अलाउड नहीं है बट टी प्लांटेशन में अलाउड है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है टी प्लांटेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ मिक्सड इकोनॉमिक पाथ, है ना, हुंडई इंडिया लिमिटेड केम टू इंडिया थ्रू विच FDI रूट, इन्होंने अपना 100% सब्सिडी क्रिएट किया था इंडिया में क्योंकि हुंडई इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, सब्सिडी फॉर्म करके उन्होंने इंडिया में बिजनेस किया. गवर्नमेंट पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेटिव फैसिलिटेटिव एंड फैसिलिटेटिव हो गया ना प्रोटेक्टिव, देखो कौन सा आंसर है, ए आंसर है. ब्रिक्स, ब्रिक्स यहाँ पे हमको कहीं भी चैप्टर में नहीं आया था बट इधर पूछ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ. ब्रिक्स जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पांच कंट्रीज ने मिलके फॉर्म किया है जिसमें आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है. तो ये जो कितने पांच कंट्रीज है इन्होंने मिलके ब्रिक्स को बनाया है तो इट इज़ बी आंसर, साउथ अफ्रीका आता है ना कि साउथ कोरिया. प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट का ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, डिसइन्वेस्टमेंट करना पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर के ऐसे एरियाज ओपन करना जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ था, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, FDI इज मेड विद एन इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज, सही है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI होता क्या, नहीं, FII होता है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट होता है FDI, राइट. अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आता है FDI, राइट. तो बी इज द इनकरेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर विच इज इनकरेक्ट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, FDI फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट FII इज मोर प्रिफरेबल टू FDI. FII शॉर्ट टर्म है, FDI लॉन्ग टर्म है, तो ये आंसर क्या हुआ, इनकरेक्ट. FDI हैज स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन द इक्विपमेंट, रॉन्ग. FII के पास होती है रिसर्च टीम तो उसके पास स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट है. इन इंडिया परमिशन ऑफ FDI इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स, राइट है, ये कहीं पे 49%, कहीं पे 26%, कहीं पे 51%, कहीं पे 100% अलाउड है FDI. FDI इज यूजुअली डन टू रिप शॉर्ट टर्म गेंस, फॉल्स, दिस इज FII ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी क्या, राइट. क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट भी मॉनेटरी पॉलिसी क्या, राइट. डिस्पोजेबल इनकम विथ हाउस होल्ड मॉनेटरी पॉलिसी क्या, रॉन्ग, ठीक है, ये पॉलिसी है फिस्कल, तो बी और ए राइट आंसर है जिसका मीनिंग है डी इज द करेक्ट आंसर. अभी मुझे बोलो कि पांच मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थे तो टैक्स रेट जो है लोअर द बेटर होता है कि हायर द बेटर होता है, लोअर द बेटर होता है. GDP हायर द बेटर होता है कि लोअर द बेटर होता है, हायर द बेटर. इन्फ्लेशन मॉडरेटली अगर वो डिमांड पुल है तो दिस इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट का ए का 3, बी का 1 और सी का 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not implied by liberalization? Decontrol, deregulation, general broadening of freedom of private enterprise, disinvestment of public sector enterprise. कौन सा liberalization नहीं है? मुझे C लग रहा है. Let's check 27th का answer. D है. ठीक है. मतलब डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब छोटा सा स्टेक अगर बेच रहे हैं तो वो लिबरलाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मुझे सी लग रहा था बट वो गलत है, डी करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर करेक्ट फॉर कंसिडरिंग मॉडरेटली लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंडिसिव, मतलब गुड फॉर डोमेस्टिक बिजनेस. लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब $1 = 60 rupees, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक रुपी. तो ये कम होना क्यों अच्छा है, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इम्पोर्टेड गुड्स के अगेंस्ट, मेकिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव, सही है, एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा है. टैरिफ जंपिंग, FDI भी इधर आएंगे उन पर भी टैक्स मिलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, डी. तो डी आंसर है जिस जो मतलब मॉडरेटली लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फैसिलिटेट करता है सारी चीज़ें. रीजन वाई लोअर इंटरेस्ट रेट मे बी कंडिसिव, मतलब गुड फॉर बिजनेस. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विथ लोअर रिटर्न्स एलिजिबल, क्योंकि
क्या बोलते हैं उसको, हमको लोन कम रेट पे लग रहा है, पैसे कम रेट पे मिल रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट फिर कम रिटर्न पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कम पैसे देख के, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे. इनेबल्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, रिड्यूसेस, ए बी तो आंसर नहीं है, तो रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ए एन सी आर द करेक्ट आंसर. अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो कोई अपने सेविंग्स वहाँ पे डालेगा क्या, गलत हो गया ना, तो बी नहीं है, ए और सी आर द करेक्ट आंसर. देख लो इसका 29th आंसर इज डी करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवर आर्किंग, मतलब ओवर आर्किंग मीन्स सपोर्टिव, या फिर क्या बोलते उसको, सब सर्वसमावेशक, सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रखते हुए, ऑल इंक्लूसिव अजम्पशन वाइल असेसिंग द कंडीशन ऑफ माइक्रो वेरिएबल. मतलब हम लोग लॉ में पढ़ते, देखो गिविंग अदर थिंग्स, इकोनॉमिक्स में गिविंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, तो उसको ही बोलते हैं ओवर आर्किंग. तो बी इज द करेक्ट आंसर. ये हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो चुके हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन अमेंडमेंट सब कुछ खत्म हो गया है. अब क्या करो, आराम से ये चैप्टर को एक बार रीड करो, जो जो पॉइंट्स हट चुके हैं अपने नोटबुक में से डिलीट करो, एडिशनल पॉइंट्स जो है मार्क करके रखो. वैसे तो मैंने बोल दिया कहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ एक बार जस्ट रीड आउट कर लो ये चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए. तो चैप्टर नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ो ये चीज़, ठीक है. इस चैप्टर पे जो जो एरियाज नवे आए हैं वहाँ पे से एक या दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है ये चीज़.